दीवारों पर विज्ञापन अक्सर देखे होंगे आपने, काफी आम बात है। नीम हकीमों के विज्ञापनों से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक के विज्ञापन दीवारों पर दिखते हैं, लेकिन अब वकील साहब को अपना विज्ञापन करना काफी महंगा पड़ गया। दिल्ली बार काउंसिल ने वकील का लाइसेंस 8 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है। 1994 से बार काउंसिल में इन वकील साहब का नामांकन था। साउथ दिल्ली में कई सार्वजनिक दीवारों पर अपना प्रचार करने वाले वकील पर दिल्ली बार काउंसिल ने एक्शन लिया है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम कहते हैं कि कोई भी वकील काम मांगने के लिए इस तरह का प्रचार नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक वकील काम मांगने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। इस मामले पर हमने सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट विजय लक्ष्मी से बात की। उन्होंने कहा, नियमों के मुताबिक वकील अपना प्रचार नहीं कर सकते। वे अपनी लीगल फर्म की वेबसाइट बनवा सकते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करेंगे। वे अपने घर या ऑफिस पर नेम प्लेट लगा सकते हैं लेकिन उसका भी एक साइज फिक्स है। वकालत के पेशे में प्रचार की गुंजाइश नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि जब एसोसिएशन आदि चुनाव होते हैं तो काफी ज्यादा प्रचार किया जाता है। वकीलों के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, प्रचार इन मानकों के खिलाफ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील का नंबर दीवार पर लिखा पाया। फोन किया तो साफ हो गया कि यह विज्ञापन वकील का ही है। बार काउंसिल ने पाया कि वकील ने इस तरह का विज्ञापन करके बार नियमों को तो तोड़ा ही, साथ ही दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007 का भी उल्लंघन किया है। दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007 की धारा 3 के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी दीवार को इस तरह पेंट करता है या फिर उस पर शाही चौक आदि से लिखता है तो उसे 1 साल की सजा या फिर 50,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। काउंसिल का कहना है कि वकालत एक ऐसा काम है जिसके नैतिक मानदंड हैं और नियम भी होते हैं। दिल्ली बार काउंसिल ने कहा कि वकालत कोई व्यापार नहीं है बल्कि एक महान काम है और वकील शकील अहमद ने नैतिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। बार ने उनसे यह भी पूछा कि क्यों ना उनकी सदस्यता को स्थायी रूप से खत्म कर दिया जाए। हमने वकील साहब से इस बारे में पूछने के लिए फोन लगाया लेकिन उधर से कहा गया कि वो कोई दूसरा शकील होगा, वो मैं नहीं हूं। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।